चलिए अब स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर सरफेस एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बातें नहीं और सुनना है ध्यान से, ठीक है? पूरा फोकस बना के रखना, ठीक है? एकदम फ्रेश टॉपिक है, पूरा समझ में आएगा डिटेल में अगर ढंग से पढ़ोगे मेरे साथ साथ, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें ना नहीं आ सकता, ठीक है? चैप्टर का नाम क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो ये एक मैथमेटिक्स का चैप्टर है, सबसे बड़ी बात, ठीक है? और हम लोग ये किससे रिलेटेड है? मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन क्या होता है? किसी चीज की लेंथ, ब्रेथ, हाइट के बारे में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है? कि कोई भी कॉपी, मान लो कॉपी है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है? ये कॉपी की शेप में, अभी अभी किस शेप में दिख रही है तुम्हें? ये रेक्टेंगल, क्योंकि अभी तुम यहां से देख रहे हो ना। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो क्या बन गया ये? क्योंकि इसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है ना, ये देखो छोटी सी पतली सी हाइट। अगर किसी चीज के पास दो डायमेंशन होती है सिर्फ, ये डायमेंशन क्या है भैया? डायमेंशन मतलब, अभी ध्यान से बनना, डायमेंशन दो दो टाइप की फिगर होती है, एक होता है टू डायमेंशन और एक होती है थ्री डायमेंशन। दो टाइप की चीजों के हम बात बारे में बात करते हैं अपना मेनली। मेंसुरेशन किसके बारे में? याद रखना, मेंसुरेशन हमेशा हम बात करेंगे दो डायमेंशन या थ्री डायमेंशन के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टू डायमेंशन में तुम आज तक पढ़ते आए हो, सिक्स क्लास में, सेवन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में तुमने यही पढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए याद दिलाऊं दो मिनट में फटाफट, मैंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, सबको आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ सबको आता है, एरिया ऑफ स्क्वायर सबको आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने पढ़ा था हीरोन्स में, वो भी क्या है? टू डायमेंशन, ठीक है? तो ध्यान रखना, टू डायमेंशन कौन होती है? जिसके पास ऐसी शेप जिनके पास सिर्फ जिनका एरिया निकल सकता है और पेरीमीटर निकल सकता है। क्या बोला मैंने? जिन शेप का एरिया और पेरीमीटर निकल सकता है सिर्फ, उन्हें बोलते हैं टू डायमेंशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, पेरीमीटर कैसे समझा जाए? ये बड़े, अभी लिखना, अभी टाइम देंगे लिखने का, टेंशन मत ले, सुन लो बस, अभी जब लिखना होगा तब लिखेंगे मजे से। पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस, ये वर्ड दोनों के दोनों सेम है, हाँ ये ध्यान रखना। बस ये होता है सर्कमफेरेंस मतलब हम जब सर्कल की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? सर्कल, ठीक है? पेरीमीटर जनरली हम बात करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके बारे में। है क्या पेरीमीटर? मान लो तुम्हारा खेत था, तुम्हारे गांव में बहुत जमीन है तुम्हारी, ठीक है, खेत है। पेरीमीटर मतलब तुम्हें उसको तार लगानी है उसके अराउंड पूरा, एक उसको एक रस्सी से बांधना है पूरे को, तो साइड साइड में बांधोगे ना, जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। तो जब भी वर्ड पेरीमीटर आएगा इसका मतलब होगा बाउंड्री। क्या होगा? बाउंड्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया मतलब होता है, मान लो उसी खेत में अब तुम्हें लगानी है गेहूं, तो गेहूं कहाँ लगाओगे? साइड साइड में कि बीच में लगाओगे? बीच में लगाओगे, सही बात है। या प्लांट लगाने कहाँ लगाओगे? बीच में लगाओगे ना। तो एरिया मान लो, ऐसे याद रखना एरिया को फार्मिंग से, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नॉर्मल एग्जाम्पल से याद रखना, ज्यादा टफ नहीं बनाना चीजों को, ठीक है? एरिया कैसे, अगर तुम्हें लगेगा बचपन में नहीं करते थे कि मैम बोलती थी बेटा क्वेश्चन दे दिया और एरिया निकालने की पेरीमीटर दिया नहीं होता था, ठीक है? तो हम क्या सोचते थे, एरिया कब निकालना होता है? जब क्या लगेगा क्वेश्चन में? अगर फार्मिंग करनी है, क्या करना है? खेत उगाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि खेत का उगाते हैं, पूरे सरफेस पे ही तो उगाते हो ना, ठीक है? और पेरीमीटर कब निकालना होता है? बाउंड्री के बारे में बात करता है। किसके बारे में? बाउंड्री। जैसे तुम्हें याद होगा परसों हमने एक क्वेश्चन करा था, छोटा सा ट्राइंगल था, इसकी पांच चार तीन थी, मैंने कहा था इसकी पेरीमीटर निकालो, तो आप सारी साइड्स को ऐड कर रहे थे ना, क्यों कर रहे थे? रीजन समझो। पेरीमीटर मतलब मैंने तार यहां से स्टार्ट करी, पांच मीटर की तार यहां से यहां तक, फिर चार मीटर की यहां से यहां तक, फिर तीन की और, तो पेरीमीटर बना कि नहीं बना? पेरीमीटर मतलब साइड साइड की जो लेंथ होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? पेरीमीटर एरिया। अच्छा, थ्री डायमेंशन क्या होता है? थ्री डायमेंशन ऐसी फिगर जिसकी पेरीमीटर भी होता है, जिसका एरिया भी होता है, बस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है इसके पास, वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है अभी ये? अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्वायर दिया मैंने तुम्हें, ये रेक्टेंगल दिया, लो रेक्टेंगल, ठीक है, और बोला इसके अंदर पानी भर दो, कोई रेक्टेंगल में पानी भरा जा सकता है? नहीं। हमेशा याद रखना वॉल्यूम मतलब है उसकी कैपेसिटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? उसकी कैपेसिटी, कि उसके अंदर किस चीज को स्टोर करना है, क्या करना है? स्टोरेज के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा? कैपेसिटी से, ठीक है? जैसे रूम है, ये टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन कैसे पता लगा? क्या इसमें पानी भर सकते हो रूम में? नहीं भर सकते। कौन कह रहा नहीं भर सकते? भर सकते। अरे रूम बंद करो, यहां से एक पाइप डाल दो, भर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा वो बॉटल दिख रही, वो टू डायमेंशन है थ्री डायमेंशन, पानी भर सकते हो? हाँ। तो बेसिकली जिस चीज में भी तुम कोई चीज स्टोर कर सकते हो, पानी डाल सकते हो, पानी स्टोर कर सकते हो, वो थ्री डायमेंशन। आपको भी कंफ्यूजन होगी,
टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन डिफरेंस क्लियर हो गया, जिस चीज में पानी भरा जा सकता है वो क्या बन गई, थ्री डायमेंशन। पक्का? अच्छा, घर पे सिलेंडर आता है, गाड़ी आती है ना सिलेंडर वाली, वो टू डायमेंशन है थ्री डायमेंशन है, उसमें पानी डाल सकते हैं ना आराम से, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है, वो भी लिक्विड ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ढंग से? टू डायमेंशन कौन है, जिसके अंदर सिर्फ एरिया और पेरीमीटर की प्रॉपर्टी है। थ्री डायमेंशन कौन, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। और डिफरेंस करने का बेसिक तरीका, जिस चीज में पानी स्टोर करा जा सकता है वो बन गया थ्री डायमेंशन, जिसमें पानी स्टोर नहीं करा जा सकता वो क्या हो गया, टू डायमेंशन। कोई इस बात में इंच भर भी डाउट है तो पहले पूछ लो आराम से, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है? पक्का बना दो, जरा लिख दो अब इसको फटाफट, और जितना अच्छे से लिखोगे सुनोगे मजा आएगा पढ़ने में। जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी लिखो। अच्छा दोबारा लिख लो ना, नुकसान तुम्हारा थोड़ी, फायदा ही होगा। हाँ, टू डी मानेंगे उसे, जनरली वो टू डी ही होता है, पर हम क्वेश्चन करने के लिए थ्री डी। अब मैं कहाँ से लाऊं यार थ्री डायमेंशन जनरेट, ठीक है? जल्दी जल्दी करो, फिर आगे काम करेंगे ना, प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज। लिख लिया, कलाकार स्टार्ट करें अब, बढ़िया वाली, थोड़े कलाकार बनेंगे ना बढ़िया करके। हो गया बढ़िया करके। अच्छा तुमने वीडियो देखी होगी, उसमें ब्लैक स्क्रीन पे चल रहा होगा ना सब कुछ, ठीक है? समझ में आ गया था इसे, आ रहा था समझ में आया, समझ में क्या? अरे कर लिया नोट, यहाँ तक। एक डाउट है मन में कोई, अभी कुछ लग रहा है ऐसा कि नहीं ऐसा वैसा, ठीक है? अभी मैं आगे पढ़ाता रहूंगा, समझते रहना, ठीक है? अच्छा टू डायमेंशन में कुछ एग्जांपल याद रखना, ट्राइंगल क्या होगा बोलो, ट्राइंगल में पानी स्टोर कर सकते हो? नहीं, तो क्या बन गया, टू डायमेंशन। अच्छा क्या स्क्वायर में पानी स्टोर कर सकते हो? नहीं, तो ये भी क्या हो गया, टू डायमेंशन। सर्कल में? नहीं। और क्वाड्रिलेटरल में? अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सब आ गए, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सब आ गए, ठीक है? क्यों आए, कैसे आए, वो हम अगले चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे, ठीक है? बस इतना समझो, जिसके अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं वो होगा 3D, जिसके अंदर नहीं हो 2D, ठीक है? अच्छा थ्री डायमेंशन के दो तीन एग्जाम्पल बता देता हूँ, सिलेंडर अभी बात करी थी ना, अच्छा क्यूब, क्यूब कोन, कोन देखा है कोन, अरे कोन, बर्थडे कैप, देखिए बर्थडे कैप, सोचो उस बर्थडे कैप को नीचे लपेट दिया जाए बढ़िया करके टेप से अच्छे से, उसके अंदर पानी डाल सकते हो, है ना? अरे कौन आइसक्रीम नहीं खाता है, आइसक्रीम कौन, उसके अंदर आइसक्रीम तक आ जाती है, तो वो भी क्या हो गई, एक थ्री डायमेंशन, ठीक है? कटोरी, हेमिस्फेयर, अभी हम बात करेंगे क्यूबॉइड, सिलेंडर, बहुत सारी चीज अभी हम पढ़ते रहना आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया, बेसिक क्लियर चीज हो गई पहले, कभी डाउट होगा 2D और 3D में, अब नहीं होगा अगर याद रखोगे चीजें, क्लियर रहेगा ये पक्का, ठीक है? ये हटा दूं, नोट करना है, लिख दो एग्जांपल, लिखो एक आधा, एक आध एग्जांपल लिख दो बढ़िया करके, ताकि तुम्हें भी दिक्कत ना हो ना। लिख दिया, कुछ पूछना है? हाँ भाई, और पूछते रहना, कोई डाउट मत रखना, ठीक है? ऐसा नहीं कि घर जाके सोच रहे करना क्या है, ऐसा मत करना, इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज में, ये हटा देते हो। हमने कहा क्या इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है कि 2D क्या है, 3D क्या है? नहीं, अभी हमें ना एरिया भी है ना, एरिया भी दो टाइप का पढ़ेंगे हम, ठीक है? देखो एरिया हमारे पास, एरिया जो टॉपिक है, पहले मैं एरिया ही डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है? एरिया क्या करेंगे अच्छे से डिस्कस, जब एरिया तगड़ा बन जाएगा ना, अच्छे समझ में आ जाएगा, तब हम आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एरिया हमारे पास दो टाइप के होने वाले हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कैसा एरिया, कर्व्ड, नाम से कुछ ना समझ में आएगा, थोड़ा वेट कर लो, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर बोलते हैं इसको लेटरल सरफेस एरिया,
दोनों वर्ड सेम है तो डरना नहीं है, ठीक है? कर्व्ड या लेटरल? अरे आ जाओ, हाँ हाँ अभी आ रहा है। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। दूसरा एरिया कौन सा होगा? टोटल सरफेस एरिया। सुनना बस ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनना बस, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है? चलो अब ये क्या नौटंकी है, सबसे मस्त नौटंकी यही है, सुनो ध्यान से। ये कमरा दिख रहा, सबको दिख रहा है कमरा? टोटल सरफेस एरिया मतलब मान लो हमने क्या करा ना, ये रूम है, इसको मैंने पूरा पेंट कर दिया ढंग से, ठीक है? पूरा क्या कर दिया, बढ़िया करके पेंट। मैंने कहा टॉप को भी पेंट करना है और बेस को भी पेंट करना है, सबको पूरा। कोई अंदर आएगा कमरे में क्या बोलेगा, यार तुमने ना पूरा पेंट कर दिया। पूरा मतलब टोटल या कर्व्ड? टोटल, सही बात है ना। तो कोई रूम के अंदर घुसा, उसने क्या बोला कि तुमने पूरा का पूरा पेंट कर दिया, तो क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। याद रखेंगे पूरा का पूरा मतलब पूरा का ये इच्छा है, ध्यान सुनेंगे यहाँ। दीवारें तो पेंट करी, साथ में क्या क्या पेंट करा था? टॉप और बेस। तो याद क्या रखना है, टोटल में चार दीवारें तो ये दीवारें पेंट करी ना। कोई कमरे में आया, क्या बोला उसने कि भाई तुमने ना दीवारें तो पेंट करी, क्या क्या पेंट कर दिया? टॉप और बेस। तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब सुनो, अब बात करते हैं, ध्यान सुनना। हमने पेंट करा, ये ग्रीन पेंट तुम्हें कहां दिख रहा है बताओ? सिर्फ दीवारों में। इस बार हमने ऐसे पेंट करा, कोई कमरे में घुसेगा क्या बोलेगा? वाह तुमने दीवारें सारी की सारी कलर कर दी। किसको पेंट नहीं करा हमने? अब टॉप और बेस को नहीं करा पेंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कर्व्ड, ध्यान सुने, कर्व्ड मतलब होता है, एक सेकंड रुक जा भाई, कर्व्ड को बोलेंगे जिसमें टॉप और बेस नहीं आते। अब डाउट बोलो। हाँ बोल, क्या चिल्ला क्यों रहा था इधर से? इसलिए मैं बात नहीं करता इन चीजों के बारे में। यहां तक सही है? अच्छा, कोई तुमसे पूछेगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसे क्या बोलोगे? ऐसा एरिया जिसमें टॉप और बेस भी काउंट होते हैं। और कर्व्ड कौन सा होता है इसमें टॉप और बेस काउंट नहीं होते? कोई कंफ्यूजन? अच्छे से लगता है कोई कंफ्यूजन बैठेगी दिमाग में? लिख डालो, धैट बैड, फटाफट लिखो, दोबारा लिख दो ना। अरे कॉपी के पन्ने भरेंगे, मम्मी बोलेगी अच्छा आज पढ़ के आए हो, तो लिख लेना चुपचाप। अभी सिर्फ दो चीजें बताई मैंने, एक थ्री डायमेंशन टू डायमेंशन का डिफरेंस, और एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल एरिया, बस टोटल सरफेस। नींद आ रही, इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ मैं? अबे यार ऐसा मत बोल यार भाई, तभी नींद आ रही। आज स्कूल था तुम लोगों का? अरे लिख दिया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज में। अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स और काम। हटा दो भाई, लिख लिया सबने? लिख दिया, चलिए आ जाओ जरा फटाफट। नहीं लिखते तो बता दिया करो, हाथ खड़े कर दिया करो, दोबारा लिखने का टाइम। समझ में नहीं आता पूछ लेना, ठीक है? चलो अब बात करते हैं हम, ये तो होगी नॉर्मल बातें, ठीक है? अच्छा क्या चाहते हो, पहले एरिया अलग से पढ़ाओ पूरा का पूरा, या फॉर्मूले सारे एक साथ लिखा दो? क्या चाहते हो पहले? फॉर्मूले एक साथ बता दो पहले सारे के सारे, है ना? फिर टॉपिक वाइज करते रहेंगे, जो जो एरिया वाले होंगे पहले एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे फिर हम लोग, ठीक है? या फिर पहले सिर्फ एरिया पढ़ना है ढंग से? पहले फॉर्मूले सारे बता देता हूँ, है ना, फिर टॉपिक वाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइप वाइज सारे क्वेश्चन करा देंगे, टाइप वन टाइप टू बना के, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथ साथ, अच्छा एक चीज है, हमने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला जो हम खुद ही बता सकते हैं, ध्यान सुनना, जिसको ये समझ में आ गया वो उसने जीत जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा एक रूम बनाने के लिए तुम्हें बोला मैंने, ठीक है? मैंने कहा सिर्फ चार दीवारें बनानी है, कितनी दीवारें बनानी है? कोई दिक्कत तो नहीं, कितनी दीवारें बनानी है? चार, यही तो था।
अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या था, चार दीवारें, यही तो मतलब था। अच्छा चार दीवारें बनाने के सबसे पहले कहाँ कैसे लगाओगे ईंटें, बताओ मुझे कैसे लगाना चाहोगे। तुम्हें मैंने ना एक खाली जमीन दे दी, मैंने कहा ये प्लॉट दिख रहा, यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है, चार दीवारें बनानी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले चारों तरफ की बाउंड्री बनाओगे या नहीं, हाँ या ना बताना बस। सबसे पहले मैंने बोला तुम्हें चार दीवारें खड़ी करनी है, तो पहले तो लाइनें बनाओगे ना कि चार कहाँ कहाँ बाउंड्री खड़ी करनी है। तो तुम लोग क्या बना रहे हो, सबसे पहले बेस कवर कर रहे हो, क्या कवर कर रहे हो, बेस, और वो भी उसका पेरीमीटर, क्या बीच में ईट लगाओगे, दीवारें कहाँ लगती है, अरे ये रूम है, ये रूम है, ये सोचो ये चार दीवारें बनी कैसे होंगी, एक मिस्त्री आया होगा, उसने इस कोने से स्टार्ट करा होगा, ईंटें लगाई होंगी वहां तक पहले, फिर इधर को ईंटें, फिर ऐसे में, फिर ऐसे में, सही बात है। तो उसने क्या कवर करा पहले, बेस का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, सही बात है, जो भी है क्लियर है, पेरीमीटर ऑफ द बेस। और फिर उसके बाद हर एक ईंट के ऊपर ईंटें रखते गया, तो क्या बनाई उसने, हाइट। तो ये बन गया फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रखना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कैसे बना, समझ में आया, सबके लिए लगता है, सब में लगेगा, टेंशन मत ले, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, अगर कभी भी फॉर्मूला नहीं मिल रहा होगा डायरेक्ट, तो ये याद रखना है, क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ये नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हैंड डालो जनरल फॉर्मूला, हैंड डालो जनरल फॉर्मूला, और उसमें लिखो, जनरल फॉर्मूला में कर्व सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, बेस के पेरीमीटर को इससे इंटू कर दो, हाइट से, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, कर लो जल्दी। सॉरी सॉरी सॉरी, कर दिया, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, अगला लिखिए, अगला लिखो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की सुनो कहानी, अच्छा ये बताओ, सबने बचपन में बाल्टी भरी, अभी बाल्टी भरी गई रूम में, ग्लास में पानी डालते हो, ये काम सब करते, बॉटल सबने भरी होगी, ठीक है समझ में आ जाएगा फिर तुम्हें। अच्छा तुम्हें एक, मैंने ना बोला इस रूम में पानी भरना है, ठीक है, कैसे भरोगे रूम में पानी, सबसे पहले पानी पानी छोड़ दोगे यहाँ, सबसे पहले क्या कवर होगा, बेस, पूरे फर्श में पानी फैलेगा, हाँ या ना, सही बात है, पहले पानी कहाँ फैलेगा, सिर्फ फर्श में, तो बेस का क्या कवर होगा, पेरीमीटर की एरिया, एरिया, सही बात है, तो बेस का एरिया कवर होगा, क्या कवर होगा, एरिया, और फिर धीरे धीरे क्या बढ़ेगी उसकी, हाइट, तो बेस एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का। एग्जाम्पल के लिए ये बॉटल भरने के लिए मैंने तुम्हें बोला जा बेटा बॉटल भर, तो पहले क्या कवर होगा नीचे का, बेस, फिर उसके बाद हाइट बनेगी, हाँ या ना बोलो, सही बात है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, बेस एरिया इंटू हाइट, कोई दिक्कत वॉल्यूम के फॉर्मूले में, नोट करो फटाफट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये जनरल फॉर्मूले, कभी भी जिंदगी में दिक्कत होगी इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। अब टाइप वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए हैंड डाली सबसे पहले, अब हम डाल हेडिंग क्यूबॉइड एंड क्यूब, पहले डालो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हैंड डालो, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड डाल दिया हेडिंग। अब ध्यान से सुनना, यहां से चीजें अब स्टार्ट होंगी, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में जब भी दिक्कत होगी सोचने में, तो ये रूम याद कर लेना बस, ये रूम दिख रहा, चार दीवारें, पिछले साल इतना पढ़ाया, पिछले साल हम अंदर पढ़ते थे, तो पिछले साल इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाया, ऐसे समझाया कि उनको याद करने में ना ब्लू कलर की दीवारें दिखने लग गई थी, फिर क्वेश्चन करते हुए, तो क्वेश्चन करते हुए कभी भी डाउट होगा रूम को याद कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चार दीवारें याद हो जाएंगी बढ़िया करके, कमरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो रूम है ये किससे मिलकर बना है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये वाला, एक रेक्टेंगल ये वाला, एक ये, एक ये, एक ऊपर एक नीचे, कितने रेक्टेंगल गिनो जरा, छह रेक्टेंगल, हाँ या ना बोलो, छह रेक्टेंगल, तो टोटल सबसे पहले इसमें कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, सिक्स रेक्टेंगल्स, तो कोई पूछे क्यूबॉइड के अंदर कितने रेक्टेंगल्स हैं, छह, या फिर छह क्या है, फेसेस, क्या है, छह फेसेस। अच्छा कोई इंसान बाहर से देखेगा, ठीक है, अच्छा वो वाला क्यूबॉइड खेला, वो रूबिक्स क्यूब देखा है, उसमें भी छह होते हैं ना, होते हैं ना, तो बाहर वाला इंसान क्या बोलता है, यार इसमें ना छह तरफ से मैं देख सकता हूँ, मतलब इसके छह क्या है, फेसेस, सही बात है, इसलिए छह फेस। अच्छा अगली चीज अब सुनो ध्यान से, बात करते हैं हम अगली,
कॉर्नर्स के बारे में, कॉर्नर्स गिनने। अब क्या गिनने? कॉर्नर। कॉर्नर क्या होते हैं? कॉर्नर मतलब कोने, कोने कोने में मच्छर नहीं मिलेगा। चलो देखते, एक कोना ये पक्का, दूसरा कोना यहाँ सही है, तीसरा कोना नीचे, चौथा यहाँ, चार कोने हो गए, चार कोने पता लग गए, पांचवा वहां, छठा, सात, आठ, आठ कोने हैं यानी। या फिर अभी देखो तुम्हें दिखाते हैं, कोई भी बुक देख लो, बुक उठा लेना हाथ में, है ना, एक कोना ऊपर एक कोना नीचे, दो हो गए, तीन, चार, चार यहाँ हो जाते हैं, पांच, छह, सात, आठ, कितने कोने होते हैं टोटल? आठ। ये रूम में देख लो, गिन लो कोने। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? एट। कॉर्नर्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स या वर्टिसेस लिखो ज्यादा अच्छा। कोई परेशानी इतने में? कोने समझ में आ गए, फेसेस समझ में आ गए, आगे जाके वरना इसी में दिक्कत होगी। इतना क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं एजेस के बारे में। एजेस मतलब होता है साइड। किसके बारे में? साइड। जरा ध्यान से देखो, साइड गिननी है, हाँ ध्यान सुनना। चलो गिनते साइड, गिने स्टार्ट करें, आ जाओ इधर। साइड होती है मतलब, जैसे ये साइड दिख रही है, एक ये, इसको देखो ये वाली साइड, एक ये इधर वाली साइड, सही है, ठीक है, एक पूरी साइड। तो गिनो कितनी हो गई, एक ऊपर, दो, तीन, सही है, फिर चार, कितनी साइड हो गई ये? चार, ठीक है, चार हो गई ना, फिर ये इधर को पांच, फिर ये नीचे से छह, फिर उधर को सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। टोटल कितने एजेस होते हैं? बारह। तो बारह होंगे साइड्स, तो एजेस हो गए बारह, ठीक है। इतना घर में एक मोटी सी बुक उठाना, ठीक है, और उसमें साइड बनाते रहना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा टोटल कितनी साइड थी, ठीक है। मोटी बुक उठाना, लेकिन पतली में तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा इतना, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का अब जो पढ़ा रहे हो वो सुनो। इधर देखो, मैं तुम्हें समझाने के लिए समझा देता हूँ कि ऐसा दिखता है क्यूबॉइड। सबके सब कॉपी में ऐसी बनाएंगे ना, ऐसी बनाते हो ना तुम सब। चलो ये क्या होती है? लेंथ। ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये हो गई हाइट। ये तीन चीजें होती है, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ, एक होती है हाइट। लेंथ को एल से, ब्रेथ को बी से, एच को हाइट से। फॉर्मूला देखो अब, जरा फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सी एस ए के बारे में। कौन सा एरिया? सी एस ए, कर्व सरफेस। फॉर्मूला लिख लो, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच। सीधा फॉर्मूला लिख लो, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो, लिख दिया फॉर्मूला, डब्बे में बंद करो अच्छे से, बॉक्स आउट करो। ये कैसे आया, क्या आया, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, टू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अच्छा, टोटल सर्फेस एरिया, टू ब्रैकेट में एल इंटू बी। अच्छा, ये एल बी का मतलब क्या है देख लो जरा, एल बी का मतलब है एल इंटू बी, बी एच का मतलब बी इंटू एच, ब्रेथ तो राइट, और यहाँ पे एच इंटू एल, विड्थ इंटू एल, ठीक है, यहाँ तक सही है। लास्ट लिख लो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला लिख डालो, हाँ हाँ भी डायगोनल पे प्यार, पहले ये फॉर्मूला लिख लो, यहाँ तक सही है, लिखो लिखो अच्छे से लिखो, आराम से, कहीं नहीं भाग रहा, मैं भी नहीं भाग रहा, तुम भी नहीं भाग रहे। ये वाले फॉर्मूला क्या, सेकंड वाला, ये तो रहा टू है, डेराइव मत करना, कोई नहीं, ऐसे याद कर ले, याद हो जाएगा ऐसी, हाँ। चलो एक क्वेश्चन करें पहले अच्छा सा, पता लगेगा ना आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, अच्छा एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, सॉरी, एक डायगोनल भी लिखी लो, फिर क्वेश्चन करने में ज्यादा वेराइटी मिल जाएगी ना। अब डायगोनल मतलब क्या होता है, देखो ये रूम है ना, इसमें सबसे लंबी जो साइड होती है वो होती है इस कोने से लेकर नीचे वाले कोने तक, ठीक है, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक, ठीक है, डायगोनल उसको बोलते हैं, ठीक है, कि इस कोने से यहाँ कोने तक। तो डायगोनल का फॉर्मूला सिंपल है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये एग्जैक्टली लिख देना, ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट। चलो ऊपर लिखो टाइप ए, टाइप ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड, टाइप ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबॉइड, और ब्रैकेट में लिख देना एरिया, सिर्फ उसके एरिया के क्वेश्चन करने हैं। कौन से वाले क्वेश्चन करने हैं अभी? सिर्फ एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड,
find the area of the cuboid having dimension, having dimension, dimension मतलब side है ना, having dimension लिखो 10 सेंटीमीटर कॉमा 20 सेंटीमीटर कॉमा 30 सेंटीमीटर 10 20 30 लिख दिया। अच्छा सुनो, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, हाँ ध्यान से, सीधे बैठो सीधे, पहले भी आ रहा हूँ, देने तो दो, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ। सुनो 10 20 और 30 सही है, इधर सुनो, जो पहले दिया रहता है वो लेंथ, दूसरा ब्रेथ, तीसरा हाइट। इसी चीज को वो ऐसे भी लिख सकता है 10 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर क्रॉस 30, तो इसका मतलब भी क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सिंपल रूल है, पहला लेंथ दूसरा ब्रेथ तीसरा हाइट, पहला लेंथ बोलो भाई साथ साथ, पहला दूसरा तीसरा हाइट, याद रहेगा बढ़िया करके, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन सा एरिया निकालना है तो हमेशा टोटल निकलता है, कैसा निकलता है टोटल, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि टोटल निकालने की कर्व, तो कौन सा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, जिसको नहीं आता देखो, जिसको आता करो चुपचाप। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मैंने पूछा लेंथ कितनी है, बताओ लेंथ कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 20, हाइट कितनी है 30, ये सारी वैल्यू लिख लोगे खुद, LBH कर लोगे काम। अच्छा टोटल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला देखो कॉपी में, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जल्दी, क्या था फॉर्मूला, 2LB + BH + HL, और नी बोलोगे ना तो डंडे भी खाओगे, साथ साथ बोलना भी है फॉर्मूला लिखते हुए। 2LB मतलब L इंटू बी, लेंथ कितना है 10, लेंथ कितना है 10 सही है, आराम से देखो, ब्रेथ कितना है ब्रेथ, बी कितना है 20, प्लस बी कितना है दोबारा 20, एच कितना है एच की जगह 30, प्लस एच इंटू एल, एच कितना है बताओ, अरे एच कितना है, भगवान माफ नहीं करेगा तुम्हें, एल कितना है 10, यहाँ तक सही है क्लियर है, कुछ नहीं रखा, सिंपल वैल्यू रखे, एल की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 सही है। अब मल्टीप्लाई करना है, पहले क्या करना है मल्टीप्लाई, 10 इंटू 20 कितना होता है 200, 20 इंटू 30 600, 30 इंटू 10 300, मेरे कलाकारी बच्चों इसको पहले ऐड करो, कितना आएगा ऐड करके 200 600 800, 800 और 300 1100, 2 और 11 1000, 2200, और किसमें था, अच्छा क्वेश्चन किसमें चल रहा था, सेंटीमीटर में, तो बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई परेशानी इतने में, नोट करो अच्छे से ऐसे, एग्जैक्टली ऐसे लिखना, बिल्कुल ऐसे करना, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है निकालो निकालो जल्दी लिखो। हो गया, यहाँ तक कुछ पूछने लायक, कुछ ऐसा लगा बहुत टफ करा दिया अभी, कुछ नहीं आएगा समझ में, पूछना है ठीक है ना, प्लीज मल्टीप्लाई करना आता है, प्लस करना आता है, सबको पता है कि 200 और 600 300 1100 होते हैं, ठीक है चलो इतना तो पता है। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इस बार, हाँ लिखिए, फाइंड फाइंड CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया कॉमा TSA ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन ये लिखी हुई डायमेंशन ये लिखी हुई 2 मीटर 3 मीटर और 5 मीटर डायमेंशन लिखी हुई लिखो लिखो
खुद करो, किसी की जरूरत ना पड़े। मैं तुम्हें दे रहा हूं 2 मिनट, करो आराम से करो। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बस अर्थ का अनर्थ मत कर देना। सारे कर ले, तीनों दोनों निकाल दिए, टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिया। अभी बात करेंगे कल। पेरीमीटर का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ लिखो फॉर्मूला, देखो क्यूबॉइड का 2 (L+B)(H). हाँ भाई सी एस ए कितना है? 40। सी एस ए 50 है ना? सी एस ए करते क्या है लोग बताओ। सॉरी अभी मेरे को मत बोल, ये फॉर्मूला है। अब चुपचाप सुनना, 2 L की जगह कितना आएगा? 2 + B की जगह कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 3 × H कितना है? 5। बोर्ड मास पढ़ा है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 2 + 3 कितना होता है? 5 × 5। अब कर दो 2 × 5 कितना? 10 × 5 = 50। अब ये भी तुम गलत करोगे और मुझसे उम्मीद करते हो कि कैसे चलेगा काम, बताओ। लास्ट TSA, सबको निकाल लो TSA। तेरे तो 60 आ रहा था, ये 12 कहां से आ रहा? 12 कहां से आ रहा है? तो सही कर उसको, 12 लिखो तूने, 10 लिख उसको। अरे ओ हो गया, 60 निकाल दिया, 62 सॉरी। हाँ भाई सबका आ गया 62, आ गया। किसको सिखाना है 62? आ गया पक्का? करो करो कर कर आराम से कर, पूरा होने दे। बोलना जरूरी है तुम्हें भी, आधे कर 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 लिया? नहीं आया तो पूछो। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 × 3 जा कर कर सही कर, 6 + 3 = 5 जा हाँ + 10 हाँ। अब इनको ऐड करो पहले, कितना बना? 15 और 6 इन जो ब्रैकेट वाले हैं ना, इनको ऐड कर आराम से। बाहर वाले 2 को ऐसे रख दे, अभी ऐड कर। आराम से कर ऐड, जल्दीबाजी नहीं है। कितना आएगा? 62 cm² एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, पेरीमीटर में हमेशा मीटर आएगा, डायगोनल में भी मीटर आएगा क्योंकि लेंथ होती है ना, वॉल्यूम में मीटर क्यूब आएगा। ठीक है अभी करेंगे वो चीज, बताऊंगा रीजन भी क्या है। आगे लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जल्दी करना। वहां फाइंड द, फाइंड द एरिया, एरिया नहीं सी लिखो, फाइंड द CSA, फाइंड द CSA ऑफ क्यूबॉइड हैविंग हैविंग डायमेंशन, हैविंग डायमेंशन, डायमेंशन लिख दिए (120 m × 140 m) (200 cm). चुपचाप करना, कोई कुछ ना बोले, ठीक है? जिसने बोला वो पाप मत करना, बस करो चुपचाप करो, जिसको आता है करो, नहीं आता चुपचाप सीधे बैठ जाओ बस। जब कोई चीज नहीं आती तो एक्सेप्ट करो कि नहीं आती, और आती है तो करो। बोलना नहीं है आंसर, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी चुपचाप रहो।
चुपचाप एकदम। मैंने क्या बोला? डिस्कस करने का बोला मैंने, चुपचाप करो, हो गया तो अच्छी बात। अच्छा चलो इधर सुनो, क्वेश्चन था सीएसए, सीएसए का फॉर्मूला बोलो भाई, टू एल प्लस बी इंटू इंटू एच, टू एल की जगह 120, बी की जगह 140, इंटू एच की जगह 200, 120 प्लस 140 260, इंटू 200 सॉल्व करा होगा 52 और 2 10400 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर। हो अब मीटर लिखिए सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन हो गया गलत। जिस किस किसने करा ऐसे, किस किसने करा ऐसे, अरे सच एक्सेप्ट करो करा तो, और ये हो गया गलत। बचपन में एक चीज पढ़ी थी, अगर मीटर में होगा तो पूरा मीटर में, अगर सेंटीमीटर में होगा तो पूरा सेंटीमीटर में। ये तो मीटर और मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं, दोबारा से एक एक वही क्वेश्चन दूंगा। कुछ नया था ना, नया क्या था, अगर मीटर में होंगे तो सब किस में होने चाहिए, मीटर में। अब किस किस को चेंज करना नहीं आता, खुद बताओ, कोई है ऐसा जिसको मीटर सेंटीमीटर नहीं आता? गुड, चलो सीखेंगे। याद रखना एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सही है बात। और अगर मैं बात करूं एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, है ना, ठीक। अच्छा एक और चीज, अगर मैं लिखूंगा 1 किलोमीटर, कितने मीटर होंगे इसमें, 1000। ये चीज पहले याद रखनी है भाई, रख सकता है याद, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख फटाफट लिख साथ साथ। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। लिखो लिखो साथ साथ। ये तो गलत था। लेंथ है 120 मीटर, ब्रेथ है 140 मीटर, दिक्कत किसके साथ है, हाइट वो 200 सेंटीमीटर है ना। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने कहा ये सेंटीमीटर में, इसको किस में लाना चाहते हो, मीटर में। ऐसे याद रखना, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर, उससे थोड़ा बड़ा होता है सेंटीमीटर, और उससे और बड़ा होता है मीटर, और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि खुद सोचो, कभी स्केल देखा, स्केल, स्केल में ना ऐसा बना रहता है, 0, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है ना, ये बीच में ना 10 लाइनें होती होती है, ये मीटर, ये लाइनें होती है मिलीमीटर, किसकी लाइनें होती है, और ये होता है सेंटीमीटर। ऐसे जब 100 सेंटीमीटर मिलेंगे ना, तब जाके क्या बनेगा, एक मीटर, और जब ऐसे 1000 मीटर मिलेंगे, तब जाके क्या बनेगा, किलोमीटर। तो बेसिकली सबसे छोटा कौन है, मिलीमीटर, याद रहेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा मेरे को सेंटीमीटर को बनाना है मीटर, मैं करूंगा 200 को डिवाइड बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 100, तो किससे डिवाइड करा, 100 से। और डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हमेशा हम छोटे से किस में जा रहे हैं, बड़े में, जब भी छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो चलो भाई डिवाइड करो, कितना आएगा ये, 2 मीटर, 0 से 0 कट जाएगा, 2 मीटर, कोई दिक्कत यहां तक, लेंथ ब्रेथ है सब मीटर में आ गए। अब फाइंड करो जरा कर्व सरफेस एरिया, हो जाएगा ठीक, कर दो अब जरा सॉल्व, जल्दी करो। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा, सिर्फ एक बात कि तीनों की तीनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए तो सब सेंटीमीटर में, अगर मीटर में होंगे तो सब के सब मीटर में, याद रखिएगा। यहां तक किसी को परेशानी, चलो एक क्वेश्चन और लास्ट करें स्टार्ट, लिखो। कोई 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 ऐसा है जिसका मन ही नहीं कर रहा करने का, कर रहा, नींद आ रही, लग रहा बेटा। लिखो, फाइंड द डायगोनल, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, ऑफ लेंथ
लेंथ लिखो, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 15 मीटर, 5, 10, 15, 5, 10 और 15। चुपचाप करो यार प्लीज। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है, 5, 10 और 15, और लगाओ फॉर्मूला चुपचाप, बस देखते कौन करता है।
चलो भाई जा सकते हो, बाय बाय। मेंबरशिप से रिलेटेड बातें थी, बाय बाय।